सब्सक्राइब कीजिए एएस फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये मैंने पुरानी कुर्ती ली है। अब यहाँ से हमें कट कर लेना है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेना है। जिस साइड ये हमारी क्लोज है, इस साइड से हमें 5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और यहाँ से हमें 4 इंच अब यहाँ से हम पटकी देते हैं। इस तरह से आपको नाप लेना है। 24 इंच है तो 2 इंच उसमें हम प्लस कर लेंगे सिलाई के लिए। ये स्ट्रिप मैंने 26 इंच की ली है और ब्रेथ इसकी 2.5 इंच, और ये मैंने 2 स्ट्रिप 21 इंच की ली है और ब्रेथ इसकी भी 2.5 इंच। नीचे की साइड तुरपाई हो रखी है तो यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है, उसके बाद एक फोल्ड और करना है और इस तरह से सारे में हमें सिलाई करते जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक। देखिए इस तरह से ये मैंने सिलाई कर दी है। अब ये जो हमारी पट्टी है इनको स्टिच करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और इस साइड से भी, और उसके बाद इस तरह से, और यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। तीनों पट्टी स्टिच हो चुकी है। इस पट्टी को हमें इस तरह से यहाँ पर रख करके स्टिच कर देना है और इस साइड यहाँ पर रख करके स्टिच कर देना है। इस तरह से ये मैंने स्टिच कर दी है। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेंगे। यहाँ से हमें इंच टेप को रखना है और 11 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं और यहाँ से इस तरह से रख करके ये स्ट्रिप हमें लगानी है दोनों। इस तरह से ये दोनों पट्टियाँ भी स्टिच हो चुकी हैं।